अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं सैयदुल निसार अहमद। दोस्तों इस वीडियो में मैं अब्दुल समद भाई के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिए ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आज है डेट है 26 अक्टूबर 2022 एंड अब्दुल समद भाई का आज को सफ़र का दिन है 29th डे। तो दोस्तों यहाँ पर अब्दुल समद भाई के बारे में अगर किसी को भी नहीं मालूम तो फर्स्ट है तो वो लोग सुन लीजिए। अब्दुल समद भाई जो है ना सेकंड पर्सन है जो केरला से मक्का निकले हैं, जैसा शिहाब भाई निकले हैं। दोस्तों यहाँ पर अब्दुल समद भाई कहाँ से निकले हैं, कौन सी डेट को निकले हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इस्लामिक डेट बताऊँगा आपको, आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए डेट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 रबीउल अव्वल को अब्दुल समद भाई निकले हैं, केरला स्टेट से निकले हैं। केरला स्टेट में कौन सा गांव है बोले तो देखिए यहाँ पर केरला स्टेट में भीमापल्ली बोल के एक गाँव है। भीमापल्ली में एक दरगाह शरीफ है, वहाँ से इनका सफ़र चालू हुआ। अगर आपको इमेज बता देता हूँ मैं पीछे, देख लीजिए दरगाह शरीफ कहाँ की है, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भीमापल्ली दरगाह शरीफ से इन्होंने स्टार्ट करे हैं अपना सफ़र। तो आज को इनका 29th डे है एंड इनकी किलोमीटर्स की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर माशाल्लाह से 550 किलोमीटर्स हो गए एंड चलते हैं अब लोकेशन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर कल जो वीडियो बनाया था मैं, वो कन्हानगढ़ से निकले थे सुबह में और इनका सफ़र जो जाके है ना मालिक दिनार दरगाह तक का मैं सफ़र बताया था, जो कि कसारागढ़ म्यूनसिपलिटी में है। तो दोस्तों आज सुबह में इन्होंने कसारागढ़ म्यूनसिपलिटी से अपना सफ़र चालू करे माशाल्लाह से, अब जो है ना ओपला में है बोल के इन्फॉर्मेशन अपडेट आ रही है। इंशाल्लाह अगर मैं कुछ इसमें अपडेट उधर इधर है तो भी इंशाल्लाह कल की वीडियो में बता दूंगा, लेकिन मेरे को जो मैं यूट्यूबर से बात कर रहा हूँ वहाँ पर ओपला में जाके रुकने वाले हैं बोले, वही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर माशाल्लाह से इनकी अच्छी रफ्तार चल रही है, यहाँ पर 550 किलोमीटर इन्होंने चल चुके हैं। तो दोस्तों अगर कोई नहीं है तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपने चैनल पे जो है ना अब्दुल समद भाई के प्लस शिहाब चटोर भाई के लोकेशंस मैं अपने चैनल पे डालते रहता हूँ। आप नहीं हैं तो आपको अगर अपडेट चाहिए इनकी तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको इनके 2023 के हज तक की इन्फॉर्मेशन आपको पहुँच सके। तो दोस्तों बस ये थी आज के कुछ इन्फॉर्मेशन। आज जो इनका सफ़र चालू हुआ था वो है कसारागढ़ म्यूनसिपलिटी से और जाके इन्होंने रुके हैं ओपला में। तो दोस्तों इसी के साथ में ओपला का जो है लोकेशन है दोस्तों मैं अकॉर्डिंग टू जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बोले वही बता रहा हूँ। अगर कुछ उधर इधर हो गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आज का जो स्टे है वो ओपला में था या दूसरे जगह पे। तो दोस्तों यहाँ पर आज को जो इनका सफ़र आज जो इन्होंने सफ़र तय करे वो 24 किलोमीटर्स का आ रहा है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। माशाल्लाह से इनकी जो रफ्तार है वो 20 से 30 किलोमीटर के बीच में इन्होंने चलते हैं माशाल्लाह से। तो दोस्तों इसी के साथ में बस यही थे कुछ डिटेल्स, इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आप तक पहुंचूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।